Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Biology challenging MCQs part 24 ke saath hazir khidmat hai. To aaiye aaj ka MCQs session start karte hain. Hamara pehla MCQs hai. Endoplasmic reticulum to which ribosomes are attached is. یعنی وہ انڈوپلازمک ریٹیکولم جن کے ساتھ رائبوسومز اٹیچ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دا کریکٹ آپشن فار دس ایم سی کیوز از رف انڈوپلازمک ریٹیکولم انڈوپلازمک ریٹیکولم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ رائبوسوم اٹیچ ہوتے ہیں ان کو رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کہا جاتا ہے جبکہ وہ انڈوپلازمک ریٹیکولم جس کے ساتھ رائبوسوم اٹیچ نہیں ہوتا वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस एमसीक्यूज नेक्स्ट हमारे पास है द पर्सन हु फर्स्टली स्टडीड द राइबोसोम्स वाज इन राइबोसोम को सबसे पहले किस साइंसदान ने स्टडी किया था तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेलाडी ऑप्शन बी इज करेक्ट सबसे पहले राइबोसोम को पेलाडी नामी साइंसदान ने स्टडी किया था नेक्स्ट एम सी क्यूज हमारे पास है द स्ट्रक्चर विच कॉन्टेन द जेनेटिक मटीरियल इज यानी मंदरजे दिल में से किस सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या किस स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटीरियल मौजूद होते हैं क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ट्यूनर दैट कैन कैरी आउट एक्टिविटी ऑफ लाइफ इज यानी लाइफ की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है तो डियर स्टूडेंट्स वो है अ सेल सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल होते रहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल इज़ यानी एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाता है तो डियर स्टूडेंट्स वो होता है सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट چونکہ اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتا اس لیے اس کا بیرونی جو کور ہے یا باؤنڈری ہے وہ سیل ممبرین ہوتا ہے دا اسکویموس ایپیتھیلیم از آلسو نون ایز پومنٹ اس کو پومنٹ بھی کہا جاتا ہے آپشن سی از کریکٹ نیکسٹ ایم سی کیز ہمارے پاس ہے ایڈیپوز ٹیشو کنسسٹ آپ تو یہ مایوسائٹس پر مشتمل ہوتا ہے ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट है ब्लड इज अ फॉर्म ऑफ तो डियर स्टूडेंट ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है ऑप्शन बी इज करेक्ट और आखिरी एमसीक्यूज हमारे पास है सेकंड लास्ट द कार्डियक मसल आर फाउंड इन हार्ट कार्डियक मसल हार्ट में पाए जाते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट और थायरॉक्सिन प्रोड्यूस बाय थायरॉक्सिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ये एक हार्मोन है तो डियर स्टूडेंट ये थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का एमसीक्यू सेशन उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया वस्सलाम